नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 23 मार्च और 23 मार्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको यहाँ पे रख रहा हूँ करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने 18 मार्च को महाराष्ट्र के औंध में कितने अफ्रीकी देशों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की? तो ये है 17। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। प्लेस आपका इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के औंध में। कितने अफ्रीकी देशों? 10, ठीक है। उसके बाद सॉरी, कितनी अफ्रीकी देशों? तो ये 17 है। कितने दिवसीय है? तो 10 दिवसीय। तो यहाँ पे तीन फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कितने रुपए मुआवजे के रूप में दिए? तो देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख डॉलर रुपए दिए। अमेरिका ने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कितने परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो ये 6 है, ठीक है। इसकी संख्या जो है 6 है। तो क्या है? अमेरिका ने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग, ठीक, इसको बढ़ावा देने के लिए है। तो ये कहाँ पे बनेंगे? भारत में बनेंगे, ठीक। भारत में कितने परमाणु संयंत्र? तो कितने हैं? 6 हो जाएंगे। आगे, हाल ही में RBI ने किस बैंक को निजी क्षेत्र के बंधन बैंक में, किसमें? बंधन बैंक में केवल 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंजूरी दी? तो ये है HDFC, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? तो RBI तो आप जानते हैं बैंकों का बैंक होता है ना। उसके बाद किस निजी क्षेत्र के बैंक? तो बंधन बैंक में है, ठीक। और किसको? HDFC को। कितने प्रतिशत? 9.9%, ठीक। तो ये है आपका। चलिए अगला है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, देखिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किस नाम से भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया गया है? तो ये उन्नति के नाम से, ठीक है। उन्नति के नाम से ऊर्जा दक्षता ब्यौरा संबंधित है, ये कह लीजिए। हाल ही में किसने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो देखिए प्रमोद सावंत जी ने जो है कि गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और आपको जैसा मालूम है वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारकर जी थे, ठीक है, मतलब जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनकी जगह पे आए हैं कौन? प्रमोद सावंत आए हैं। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म द्वारा जारी सूची में भारत के कितने शहरों को रहने योग्य गुणवत्ता में निकृष्ट पाया गया? तो यह है 7, ठीक। आगे, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा रणनीति की घोषणा की? तो देखिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा रणनीति की घोषणा की है ब्रिटेन ने, ठीक। किसने? ब्रिटेन ने। 2020 टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, क्या 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन हैं या कौन बने? तो देखिए ये बने हैं रेस वॉकर हैं ये, इनका नाम है KT Irfan, ठीक। तो ये पहले भारतीय बने हैं जिसने क्वालिफाई किया है, आगे और भी हो सकते हैं। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, ठीक है, नंबी नारायण, इनका नाम क्या था? नंबी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया। किसको? नंबी नारायण जी को। और किसने? हमारे राष्ट्रपति महोदय ने। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव से कितने समय पहले घोषणा पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है? तो कितने समय यहाँ पे? ये 49 hours है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 के दौरान कुपोषण की दर कितनी है? तो कुपोषण की दर जो मतलब आकलन किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है 2017-18 के दौरान, ये 34.70% है। अगला है, ICC द्वारा जारी की गई वनडे रैंकिंग, ठीक है, क्या? अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए, वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो देखिए बल्लेबाजों की सूची में जो टॉप पे है कौन है? विराट कोहली है, ये आपको ध्यान देना है। वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजी में टॉप पे कौन है? विराट कोहली है, ठीक, विराट।
आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में कौन है? तो इसमें गेंदबाजों की सूची में है जसप्रीत बुमराह है, ठीक है। तो गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है और बल्लेबाजों में विराट है, ठीक। अगला है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 है ना, 2019 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। आपको क्या ध्यान देना है, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ? अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कर्ट की दृष्टि से शुरू की गई तो ये उत्तराखंड में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है, ठीक। तो चलिए ये रहे आज के जो है कि 16 क्वेश्चन रहे हैं दोस्तों। आगे आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।